माननीय मरहूम शहाबुद्दीन साहब की जो मृत्यु हुई सारी दुनिया ने देखा। हिना शहाब जी भी पार्टी बना सकती हैं या और भी चार पांच लोग मिलके अलग हटके एक नई पार्टी बना सकते हैं जिसमें हिना शहाब भी हों, हम लोग भी हों और लोग भी हों। BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ट असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। निकोरिया, मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी, सिवान। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। नमस्कार, न्यूज इंडिया तक देख रहे हैं आप। और आपको बता दें कि इस समय हमारे साथ शोषित इंकलाब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इश्तियाक अहमद जी मौजूद हैं और इश्तियाक अहमद जी आज सिवान पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले कल जब राष्ट्रपति चुनाव होने वाले थे उसमें यशवंत सिन्हा जी के साथ लगातार इनको देखा गया था और जब चुनाव समाप्त हो गया ऐसे में सिवान पहुंचे हैं, तो इनसे हम ये भी जानेंगे कि आज सिवान पहुंचने के क्या कुछ कारण है और जो शोषित इंकलाब पार्टी बनी हुई है कैसे बिहार में काम कर रही है। लेकिन सबसे पहले हम इसे ये जानना चाहेंगे कि कल जो चुनाव हुआ राष्ट्रपति चुनाव उसको लेके क्या कुछ कहेंगे और इनके हिसाब से क्या चुनाव का नजरिया रहा है, इस पे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इश्तियाक अहमद जी, चूँकि लगातार आपको दिल्ली से लेकर बिहार तक यशवंत सिन्हा जी के साथ देखा गया, कल चुनाव भी हो चुके हैं, लेकिन जिस तरह से जो सत्ता पक्ष दावा कर रही है कि मुर्मू जी ही चुनाव जीत के आ रही है, राष्ट्रपति बन रही है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है, हमें पूरा भरोसा है क्योंकि अंतरात्मा की आवाज़ पे बहुत लोग वोट दे रहे थे और भाजपा में भी हमें लगता है 25% के करीब लोग नाखुश हैं मोदी जी से, अमित शाह जी से और उनके कार्यकलापों से, क्योंकि देश कहाँ जा रहा है, जो सच्चे देशभक्त हैं उनके दिल में जिज्ञासा है कि ये सरकार बदलनी चाहिए और तानाशाही जैसा सरकार चल रहा है। अगर आप हमारे को समर्थन नहीं करते हैं तो आपके यहाँ ED भेज देते हैं, आप अगर तैयार नहीं हैं हमको समर्थन करने के लिए तो CBI जांच होती है। कुछ लोग, कुछ पार्टी डर से भी ओपन हो करके माननीय यशवंत सिन्हा जी को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन हमें जो जानकारी आ रही है कि उसमें बहुत से लोग जो हैं यशवंत सिन्हा जी को वोट करके आए। जो पार्टियां जनता की लड़ाई लड़ने की बात कहती हैं वैसी पार्टी डर क्यों जाती है सत्ता पक्ष? नहीं नहीं, देखिए, आज 14 के बाद ये पहला बार ऐसा हुआ है कि समूचा विपक्ष एक लाइन पकड़ लिया कि मोदी से लड़ने के लिए, भाजपा के तानाशाहियों से लड़ने के लिए सबको एक होना पड़ेगा, और वो बड़ा अच्छा हुआ यशवंत सिन्हा जी के नाम पे। यशवंत सिन्हा जी जब विपक्ष तैयार हुआ तो 10-12 पार्टी पहले तैयार थी, फिर 16 हुई, 18-20 पार्टी सब एक प्लेटफॉर्म पे आ गया। कम से कम यशवंत सिन्हा जी के चलते समूचा विपक्ष एक तो हो रहा है, सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार तो है। एकजुटता के आधार पर क्या 2024 की चुनाव लड़ी जाएगी? हाँ बिल्कुल, देखिए देश की हालत देखिए ना, आटा, घी, दही, किताब, कॉपी, बच्चों के लिए भी टैक्स डाल रहे हैं आप श्रीलंका की तरफ जा रहे हैं, जो बीज आप भारत में बो रहे हैं श्रीलंका में उसकी। अच्छा, आप लोग विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं लेकिन लगातार ये जो अभी आप बात बोल रहे हैं कि श्रीलंका की तरफ जा रहे हैं आप लोग, ये बीज बो रहे हैं, क्या आप लोग दिग्भ्रमित तो नहीं कर रहे हैं बाकी के लोगों को, जो सत्ता पक्ष खुश है उन लोगों को दिग्भ्रमित तो नहीं कर रहे हैं, डरा तो नहीं रहे कि श्रीलंका हो जाएगा हमारा? नहीं 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 नहीं, देखिए भाजपा के लोगों ने एक राजनीति करने का तरीका जो रखा उन्होंने, धर्म को राजनीति से जोड़ दिया। जब धर्म को राजनीति से आप जोड़ देते हैं तो वो बहुत भयानक नशा देता है, अफीम से भी डेंजर, उसको कुछ नहीं बुझाता है। तो आपको धर्म हावी हो चुकी है? धर्म हावी है नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ कि वो भाजपा का मतलब हो गया कि भाजपा ने जो जोड़ दिया है हिंदू धर्म को भाजपा से अटैच, और लोगों के दिमाग में ये बैठ गया कि यही हमारी पार्टी है। लेकिन जब जनता को पेट पे लगता है लात
तो वो धर्म भी भूल जाता है। अच्छा, आपको अगर ऐसा लगता है, विपक्ष को ऐसा लगता है कि हम लोग श्रीलंका के राह पर जा रहे हैं, इंडिया जो हमारा देश है श्रीलंका के राह पे, तो विपक्ष क्या कर रहा है इसके लिए? विपक्ष आवाज क्यों नहीं पुरजोर तरीके से? देखिए, आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, विपक्ष तो पुरजोर तरीके से कर रहा है आवाज, तब ना लोकसभा और राज्यसभा में आपको एक नया अमेंडमेंट आ गया कि आप ये नहीं बोल सकते, वो नहीं बोल सकते, शब्दावली नियम आ गया। यानी आप बोलेंगे क्या फिर? यानी जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, विपक्ष नियम है इश्तियाक जी, शब्दावली नियम जो, इससे भी तो ये भी तो गलत है, ये भी तो नहीं होना चाहिए, तो इसमें विपक्ष की कहाँ भूमिका? आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, देखिए विपक्ष तो चिल्ला रहा है, लोकसभा में भी कर रहा है, राज्यसभा में भी कर रहा है, ये नियम किसी को पसंद नहीं है और ये मान्य नहीं है, ज़बरदस्ती थोप नहीं सकते। यहाँ तक कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने भी कह दिया कि विपक्ष को आप बिल्कुल तोड़ मड़ोड़ के कमज़ोर ना करें, और कमज़ोर हो चुका है, ये गलत। कैसे आप देते हैं? जो झूठे हैं उनको झूठा नहीं बोलना है, जो भ्रष्टाचारी है उनको भ्रष्टाचारी नहीं बोलना है, तो बोलना है। अब आपको मैं बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब इस चीज़ को, और जज जब इस राज्य में, भाजपा के राज्य में सेफ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जज सब परेशान हैं, तो आप क्या कहते हैं कि देश बहुत अच्छा चल रहा है? महंगाई इतनी आसमान छू गई है, पेट्रोल कहाँ है, डीजल कहाँ है, अब आटा जो गरीब गुरुओं का था, आटा, दाल, चावल, चीनी, दही, घी, दूध, पेन, कॉपी, सब पे आप पास से 5% तो आपने मार दिया, लेकिन रिटेल में जब जाइएगा तो वो 15% पहुंच जा रहा है, तो आसमान छू रहा। आज का रेट है पटना का आटा का भाव 32 रुपया, जो 28 रुपया था 2 दिन पहले। तो एक रिक्शा पुलर भी जो है कहाँ से लाएगा पैसा? तो जब जनता में आक्रोश आएगी, विपक्ष जो है, देखिए विपक्ष में भी कमी है, आप चोरी कीजिएगा तो आप निकलिएगा नहीं इंडिकेटर से। अरे हम तो आपको बता रहे हैं, पटना की सड़कों पे 6-7 महीने से सड़कों पे हम लोग कूद रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जनता को ये एहसास है कि भाजपा का मतलब हिंदू, इसलिए मैंने आपको बार बार कहा कि भाजपा वाले धर्म से जोड़ के राजनीति करते हैं, तो जनता को वो एहसास नहीं है कि वो हमारी बात हो रही है। इससे अलग हट के बात करते हैं, बिहार में जो आपकी पार्टी है शोषित इंकलाब पार्टी, कैसे काम कर रही है और आगामी चुनाव में क्या कुछ प्लान है आप लोग का? देखिए, मैं पार्टी के काम से ही सिवान आया था, हमारे जिला अध्यक्ष क्रांति सिंह, तो एक मीटिंग थी हमारी, और फिर इसके बाद भी आगे जाना था हिना साहब जी के यहाँ, लेकिन वो मीटिंग पोस्टपोन्ड हो गई क्योंकि उनके लगातार आप लोग का संपर्क बना रहा है। इसके पहले भी आपके जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नागमणि कुशवाहा जी भी आए हुए थे, आप भी कई बार आके हिना साहब से मिले, क्या कुछ बातें होती हैं, क्या आप लोग उम्मीद है क्या कि हिना साहब आप लोग के पार्टी की? देखिए, हमारी पार्टी की सोच है कि जिसको भी सरकार के द्वारा या विपक्ष या और भी किसी कारण दबाया जाता हो, हम उसके साथ हैं। मानिए मरहूम शहाबुद्दीन साहब की जो मृत्यु हुई, सारी दुनिया ने देखा, और उनके पार्टी वालों ने क्या किया नहीं किया, उस समय से हम आवाज़ उठा रहे हैं और तब से हम आ रहे हैं, और उनके दुख सुख में हम सदा रहेंगे भी। और सिर्फ उनकी बात नहीं कह रहा हूँ मैं, जो भी लोग हैं जिनको भी दबाया जा रहा हो, हम जात बिरादरी मजहब धर्म की बात नहीं करते, जो भी शोषित, जिनका भी शोषण हो रहा है, हम उनके द्वार जाते हैं और मिलते हैं और दावत देते हैं कि आप आइए हमारे साथ, आपकी लड़ाई हमारी है, हमारी लड़ाई आपकी है, मिलके लड़ेंगे। आपकी पार्टी ने आमंत्रण दिया हुआ है हिना साहब को, कई बार दिया हुआ है, लेकिन अगर हिना साहब अपना खुद का पार्टी बनाकर आप लोगों के साथ आना चाहें तो क्या? देखिए, अभी बहुत सारी चीज़ है, हिना साहब जी भी पार्टी बना सकती हैं, या और भी 4-5 लोग मिलके अलग हटके एक नई पार्टी बना सकते हैं, जिसमें हिना साहब भी हों, हम लोग भी हों और लोग भी हों, अभी बहुत कुछ होना है। लेकिन आज मीटिंग थी, नहीं हो पाया, उनके गांव में, उनके परिवार में किसी का इंतकाल हो गया था, देहांत हो गया था, इस कारण से वो मीटिंग पोस्टपोन्ड हो गई, और हमारा पटना ये सिवान जिला में मीटिंग था, तो इस कारण से हम सिर्फ एक ही दो मीटिंग कर रहे हैं, फिर इधर से हमें बनियापुर जाना है पूर्व विधायक के यहाँ, तो लगातार मीटिंग चल रही है। और जो भी शोषित हैं, वंचित हैं, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो रिक्शा पुलर हो या राजनीतिज्ञ हो, हम उसके साथ खड़े हैं। पत्रकार भी शोषित हैं, कैसे नहीं मान सकते आप? अब रवीश कुमार पे भी देखिए क्या हो रहा है,
या और भी जितने पत्रकार हैं जो खुल के बोलते थे उनको हटा दिया गया, चैनल से हटा दिया गया। तो हम सबके साथ हैं और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोग जुटें। और आपको मैं यह वादा करता हूँ और वो भरोसा भी है मुझे कि इसी बिहार की धरती से, चंपारण से या सीवान से या पटना से, कहीं से भी ये चिंगारी अब निकलने वाली है, जो कि वो चिंगारी मोदी राज का खात्मा करेगी। चले तो क्या कहम जी थे, बड़ी बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि बिहार से ये ऐसा चिंगारी निकलेगा जो नरेंद्र मोदी के शासन को ख़त्म करेगा। और आपको बता दें कि इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमारी जो पार्टी है वो शोषित समाज के लोगों के लिए काम कर रही है, चाहे वो शोषित जो भी हो, जिस भी बिरादरी से आते हो, उनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। हालांकि इनकी पार्टी तो लगातार क्षेत्र में है, घूम रही है, अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, लेकिन जब चुनाव आती है तो इनकी पार्टी कैसे लड़ाई लड़ती है और जनता इनके भावनाओं को या फिर इनके जो योजना है उसको कैसे समझती है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बने रहिए न्यूज़ इंडिया तक के साथ।